बच्चों, आज का जो लेक्चर है हमारा वो है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ क्रॉप प्रोडक्शंस। आज के लेक्चर में हम ऐसे कौन से फैक्टर है जो क्रॉप की ग्रोथ और उसके प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले आज थोड़ा सा एक ब्रीफ नॉलेज लेंगे कि एग्रीकल्चर क्या होता है, क्योंकि हमारे साथ FCI AGF के कोर्स में नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स भी हैं और उनको पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर होता क्या है। तो इस क्लास में आगे बढ़ने से पहले, फैक्टर अफेक्टिंग डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं कि एग्रीकल्चर होता क्या है। तो ये एग्रीकल्चर शब्द जो है ये कहाँ से आया, किस भाषा से लिया गया, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें हम आप डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि वर्ड आपको समझ में आ रहा है एग्रीकल्चर, तो एग्री प्लस कल्चर दो अलग अलग वर्ड आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, क्लियर है? तो ये जो एग्रीकल्चर वर्ड है ये लैटिन भाषा का शब्द, लेटिन भाषा से लिया गया शब्द है। किससे? लेटिन से है। कैसे याद रखना है वो भी बताऊंगा, ठीक है? अब दो लेटिन वर्ड है यहाँ पे, दो अलग अलग वर्ड जो अभी हमने देखा कि दो अलग अलग वर्ड से बना है। तो पहला वर्ड है यहाँ पे एग्री, जनरली अगर भी लिखा हुआ मिलेगा। देन सेकेंड वर्ड है कल्चरा। ये दो लेटिन वर्ड है, इन दो लेटिन वर्ड से मिलकर बना है एग्रीकल्चर, क्लियर है? पहला वर्ड है एग्री अगर, दूसरा है कल्चरा। इन दोनों वर्ड से मिलकर क्या बना है? एग्रीकल्चर बना है। और ये दोनों वर्ड कौन से हैं? लैटिन वर्ड है। ऐसे एग्रीकल्चर में बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिनका हमेशा ये पूछ लिया जाता है कि एग्रीकल्चर वर्ड डिराइड फॉर्म, हॉर्टिकल्चर वर्ड डिराइड फॉर्म, एग्रोनॉमी वर्ड डिराइड फॉर्म पूछ लिया जाता है कौन सी लैंग्वेज का है। तो इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है, जिस भी वर्ड के पीछे आपको ये कल्चर मिल जाए, समझ जाना वो कौन सा वर्ड होगा? लैटिन वर्ड होगा हमेशा। एंड जिस भी वर्ड के पीछे आपको लॉजी या वाई मिल जाए वो हमेशा कौन सा वर्ड होगा? ग्रीक वर्ड होगा। लेकिन एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, हम हमेशा क्या अपवाद होते ही हैं। तो यहाँ पे एक अपवाद है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी, ये पोमोलॉजी वर्ड जो है ये लेटिन और ग्रीक दोनों से मिलकर बना है। इसमें जो ये पोमो है ये लेटिन है, लॉजी जो है ग्रीक है। लेकिन ऑप्शन हमेशा कुछ इस तरीके से दे देते हैं, उसमें लेटिन दिया है, ग्रीक भी दिया है, दो और ऑप्शंस दिए हैं। तो दोनों में से आपको एक को चूज करना है, लेटिन या ग्रीक में से, दोनों में से एक को चूज करना है, तो आपको हमेशा ग्रीक चूज करना है, क्लियर है? और ऑप्शन में इस तरीके का ऑप्शन हो कि ए और बी बोथ दोनों, तो आपको ए और बी बोथ दोनों लगाना है। लेकिन अगर लेटिन और ग्रीक में से चुनना हो तो आपको ग्रीक लगाना है, क्लियर है? तो एग्रीकल्चर जो है एक लेटिन वर्ड है, अगर प्लस कल्चरा। अब यहाँ पे बात करते हैं इस अगर का मतलब क्या होता है। इस अगर का मतलब होता है सोइल, क्लियर? देन कल्चरा मीन्स क्या होगा? कल्टीवेशन मीन्स क्या हो गया? कल्टीवेशन ऑफ सोइल, कल्टीवेशन ऑफ सोइल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। सोइल का कल्टीवेशन करना एग्रीकल्चर कहलाता है, क्लियर है? बट ये जो डेफिनेशन है कल्टीवेशन ऑफ सोइल, ये जो डेफिनेशन से पहले के समय में, आज से हजारों साल पहले, ये डेफिनेशंस एकदम फिट बैठती थी कि सोइल का कल्टीवेशन करना एग्रीकल्चर कहलाता है। लेकिन आज के टाइम पे, आज जो है फार्मर जो है कॉमर्शलाइज फार्मिंग करता है, मिक्स फार्मिंग करता है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग करता है, तो वहाँ पर सिर्फ वो सोइल का कल्टीवेशन नहीं करता, सिर्फ क्रॉप प्रोडक्शन नहीं करता, उसके साथ कुछ एलाइड इंटरप्राइजेस जैसे लाइव स्टॉक रेयरिंग करना, हॉर्टिकल्चर करना, फॉरेस्ट्री है ना, देन फिशरी मतलब मछली पालन करना, पोल्ट्री, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती है। तो एग्रीकल्चर अब एक सिंगल सब्जेक्ट ना होके क्या हो गया? एक अप्लाइड साइंस हो गया। एग्रीकल्चर क्या है? एक अप्लाइड साइंस है। क्या? एक तरीके का अप्लाइड साइंस है। मीन्स अप्लाइड साइंस मीन्स इसके अंदर नंबर ऑफ इंटरप्राइजेस, बहुत सारे इंटरप्राइजेस को हम एक साथ करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के साथ। मतलब अप्लाइड साइंस मीन्स यहाँ पे हम क्रॉप प्रोडक्शन मतलब फसल उत्पादन के साथ और क्या करते हैं? हॉर्टिकल्चर। जैसे अब यहाँ पे आप समझो ये हॉर्टिकल्चर शब्द जो आया है इसके पीछे क्या लगा है? कल्चर लगा है। मतलब ये क्या है? लेटिन वर्ड है, क्लियर है? याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ अपन क्या करते हैं? लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक मतलब पशुपालन करना, लाइव स्टॉक रेयरिंग, प्लस आपका आ जाएगा फॉरेस्ट्री, पेड़ भी हम लगाते हैं है ना, खेतों में सागौन के पेड़ लगा देते हैं, बीच में हम फार्मिंग करते हैं, मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग जिसको हम बोलते हैं ना, तो वो भी हम करते हैं। देन फिशरी, फिशरी
फिशरी भी करते हैं, पोल्ट्री एंड ETC, और भी बहुत सारे इंटरप्राइजेस है जो हम क्रॉप प्रोडक्शन के साथ करते हैं। इसलिए एग्रीकल्चर नॉट ओनली कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, इट इज़ ए अप्लाइड साइंस। तो यहाँ पे हम क्रॉप प्रोडक्शन के साथ इंक्लूडिंग हॉर्टिकल्चर, लाइव स्टॉक रेयरिंग, फॉरेस्ट्री, फिशरी, पोल्ट्री, एक्वाकल्चर एंड हाईटेक एग्रीकल्चर भी आजकल आ रहा है, जो ग्रीन हाउस वगैरह में हम हाईटेक फार्मिंग करते हैं। तो एग्रीकल्चर क्या है? अप्लाइड साइंस है, जिसके अंदर सारी चीज़ आती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं कि ये क्या है अप्लाइड साइंस है। तो मीन्स यहाँ पे एग्रीकल्चर क्या हो गया? एग्रीकल्चर को हम डिफाइन कर सकते हैं एज ए आर्ट साइंस एंड बिजनेस। आर्ट साइंस एंड बिजनेस, तीन तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं एग्रीकल्चर क्या है। आर्ट भी है, साइंस भी और बिजनेस भी है। आर्ट का मतलब कि जो भी फार्मर्स के पास नॉलेज है स्किलफुल मैनर में, वो फार्म पर अप्लाई करे, फार्म पे ऑपरेशंस करे, जो भी उसके पास नॉलेज है उसका, तो ये आर्ट हो गया। इसमें ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे टेक्निक्स आएगी, बट आर्ट्स का मतलब यही है कि जो हमारे पास स्किल है उसका हम अपने फार्म पर अप्लाई करें, फार्म को प्रॉपर तरीके से ऑपरेट करें। साइंस का मतलब जो भी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई है या जितने भी एग्रीकल्चर्स के प्रिंसिपल्स हैं उनको हम अप्लाई करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं हम क्रॉप ब्रीडिंग की, क्रॉप ब्रीडिंग या हम बात कर सकते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप ब्रीडिंग मीन्स जैसे नई नई वेराइटियाँ डेवलप करना जिनका उत्पादन अधिक हो, हाई यील्डिंग वेराइटी हो, जो क्रॉप और डिजीज़ जैसे पेस्ट हो गया, इंसेक्ट हो गया, डिजीज़ के प्रति रेजिस्टेंस हो, सूखा सहन करने की क्षमता हो, मतलब ड्रॉट टॉलरेंट हो, क्लियर है, सेलिनिटी टॉलरेंट हो, इस तरीके की वेराइटी डेवलप हम आजकल कर रहे हैं, हमारे साइंटिस्ट जो ब्रीडर्स हैं वो कर रहे हैं। तो ये क्या है? एग्रीकल्चर साइंस भी है। बिजनेस की बात करते हैं। बिजनेस मीन्स कि एग्रीकल्चर में अब फार्मर्स का जो मेन मोटो है वो क्या है कि हमें जो हाई यील्ड मिले और हाई यील्ड को हम क्या करें, मार्केट में सेल करें और हमें मैक्सिमम रिटर्न मिले, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। तो अब एग्रीकल्चर जो है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, मतलब जीवन यापन की खेती ना होकर कॉमर्शलाइज, ठीक है, कॉमर्शियल फार्मिंग हो गई है। मतलब यहाँ पे फार्मर का मेन मुद्दा मोटो क्या है कि जितना उसको अपनी फैमिली के लिए, खुद के कंजप्शंस के लिए चाहिए, उसके अलावा जितना भी उसके पास बचता है वो मार्केट में सेल करता है, उससे उसको क्या मिलता है, प्रॉफिट या अर्निंग होती है, जिससे उसका खुद का डेवलपमेंट या लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो भी इम्प्रूव होता है, क्लियर है। तो यहाँ पे अब एग्रीकल्चर जो है एक सब्सिस्टेंस या जीवन यापन फार्मिंग ना होकर क्या हो गया, एक बिजनेस हो गया है, क्लियर है। जिससे इसमें होता क्या है कि जो फार्मर के पास जितने भी उसके पास रिसोर्सेज है, लैंड हो गया, कैपिटल हो गया, वाटर हो गया, लेबर हो गया, इन सब का इफ़िशियंट यूज़ करके मैक्सिमम रिटर्न लेना उसका मेन पर्पज हो गया, और वो क्या होता है एज ए बिजनेस होता है। ठीक है, एग्रीकल्चर आर्ट भी है, साइंस भी है और बिजनेस भी है, क्लियर है। तो ये हमने समझा कि एग्रीकल्चर होता क्या है। अब ये जस्ट एक मेरा पढ़ाने का तरीका है, जैसे मैं बोर्ड में पढ़ाता था सेम वैसे ही, बट बच्चों की कुछ डिमांड रहती है कि सर PPT के थ्रू पढ़ाओ, तो मैं पढ़ाऊंगा आपको ऐसे ही, बट इसका पूरा ओवरव्यू आपको PPT के फॉर्म में दूंगा, लाइक इस तरीके से जो मैंने पढ़ाया है उसका एक शॉर्ट PPT फॉर्म भी है। तो जैसा अभी हमने पढ़ा, मेरे पढ़ाने का तरीका यही रहेगा, देन इसमें कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट है वो आप नोट डाउन कर सकते हो, देन उसके बाद मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा कि एग्रीकल्चर टर्म जो है टू लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, कौन से है, एक होता है अगर, एक होता है कल्चरा, अगर मीन्स होता है सोइल, कल्चरा मीन्स होता है कल्टीवेशंस, क्लियर है। तो ये यहाँ से माना कि PPT के थ्रू पढ़ाने से टाइम सेविंग होती है, बट जो एक्सप्लेनेशन बोर्ड के थ्रू होता है इस फॉर्मेट में होता है, वो एक्सप्लेनेशन हम PPT के थ्रू नहीं कर पाते क्योंकि सारी चीज़ें पहले से लिखी हुई मिलती हैं, क्लियर है, बट मैं आपको ओवरव्यू दूंगा इस फॉर्म में। नेक्स्ट हमने बात की कि एग्रीकल्चर जो है अप्लाइड साइंस है, जिसके अंदर अपन क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ हॉर्टिकल्चर, लाइव स्टॉक रेयरिंग, फिशरी, फॉरेस्ट्री आदि सारी चीज़ें हम इंटरप्राइजेस भी कर सकते हैं एग्रीकल्चर के साथ साथ। फिर हमने बोला एग्रीकल्चर को हम एज ए आर्ट साइंस और बिजनेस डिफाइन कर सकते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए और लाइव स्टॉक के लिए मैक्सिमम प्रॉफिट या अर्निंग कर सकते हैं। तो टोटली मेन पर्पज़ क्या है आजकल फार्मिंग का? इकोनॉमिक पर्पज़ है कि अगर फार्मर फार्मिंग कर रहा है या पशुपालन कर रहा है तो मेन पर्पज़ क्या है? इकोनॉमिक पर्पज़, मतलब कि कहीं ना कहीं से उसे मैक्सिमम रिटर्न मिले, प्रॉफिट मिले। सारी चीज़ हमने समझ ली, फार्म का ऑपरेशन वो प्रॉपर तरीके से करे, स्किलफुल मैनर में करे तो वो आर्ट होगा,
जितनी भी टेक्नोलॉजी है उनका, जैसे क्रॉप ब्रीडिंग प्रोटेक्शन, ये सब का क्या करें यूज़ करके वो क्या करें, हमें मैक्सिमम यील्ड और प्रॉफिट फार्मर ले, देन बिजनेस कैसे हो जाएगा, मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा किसके थ्रू, कि जो लैंड, लेबर, कैपिटल, वाटर, जिसके पास जो भी रिसोर्सेस है उसका एफिशिएंट यूज़ करके, तो वो एज ए बिजनेस भी है। तो इस तरीके से मैं आपको ओवरव्यू भी देता रहूँगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा मेन मुद्दा है, मेन टॉपिक है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो ऐसे कौन से फैक्टर है जो क्रॉप की ग्रोथ और उसके प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं? तो मेनली ब्रॉडली जो क्लासीफाई है, दो फैक्टर, एक इंटरनल फैक्टर होता है और एक एक्सटर्नल फैक्टर होता है। दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं जो क्रॉप की ग्रोथ और उसके प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो पहला बात करते हैं इंटरनल फैक्टर की। तो इंटरनल फैक्टर जो प्लांट के डिज़ायरेबल कैरेक्टर होते हैं, जिसको हम जेनेटिक कैरेक्टर बोल सकते हैं या हेरिडिटी कैरेक्टर बोल सकते हैं, वो क्रॉप की यील्ड को अफेक्ट करते हैं। वो कौन कौन से, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इंटरनल फैक्टर पहले हमने बताया क्या है, जेनेटिक फैक्टर। क्लियर है, जेनेटिक फैक्टर के बारे में आपको मैं यहीं पे थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ क्या है। जेनेटिक फैक्टर मतलब क्या होता है, जेनेटिक मेकअप, यह आ जाएगा जेनेटिक मेकअप ऑफ प्लांट, जेनेटिक मेकअप ऑफ प्लांट। जेनेटिक मेकअप ऑफ प्लांट्स का क्या मतलब, कि प्लांट के अंदर जो उसके डिजायरेबल कैरेक्टर्स हैं, क्लियर है, जो वो, उनको हम बोलते हैं जेनेटिक मेकअप। जेनेटिक मेकअप का मतलब क्या होता है, जीनोटाइप, क्या होता है, जीनोटाइप। और जीनोटाइप किससे बनता है, डीएनए से। जीनोटाइप मीन्स हम बोल सकते हैं जीन, और किनसे बनता है, डीएनए से। और डीएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। क्लियर है, और ये प्रोटीन ही रिस्पॉन्सिबल रहता है डिजायरेबल कैरेक्टर्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लूँ यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल जो टोमेटो है उसका रेड कलर, टोमेटो का रेड कलर किसकी वजह से होता है, क्या रीज़न है कि टोमेटो का कलर रेड है, पहले ग्रीन रहता है फिर रेड हो जाता है, तो उसमें कंटेन होता है लाइकोपिन। इस लाइकोपिन कंटेंट की वजह से, ये याद रखना आप, ये पूछ लिया जाता है कि टोमेटो में जो रेड कलर है उसके लिए कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, तो लाइकोपिन कंटेंट, उसकी वजह से टोमेटो का कलर जो है रेड हो जाता है। तो ये क्या है, ये इस टोमेटो, इस फ्रूट का कैरेक्टर है, जो कहाँ से आया, यहाँ से, डीएनए से, प्रोटीन, प्रोटीन से ही वो पिगमेंट बना, उस पिगमेंट से ही टोमेटो का कलर रेड हुआ। तो ये क्या है, जेनेटिक कैरेक्टर है। क्लियर है, जेनेटिक कैरेक्टर जो क्रॉप की ग्रोथ को और उसकी यील्ड को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लावर कलर, हर आपने देखा होगा कि अलग अलग क्रॉप्स में, किसी क्रॉप में आपको वाइट फ्लावर मिलेंगे, किसी में रेड मिलेंगे और किसी में येलो मिलेंगे। ठीक है, आपने चिली की बात करता हूँ, चिली के अंदर येलो फ्लावर्स भी होते हैं और वाइट फ्लावर भी होते हैं, दोनों तरह के फ्लावर होते हैं। तो वो उस वेराइटी का या उस पर्टिकुलर स्पीसीज का एक करेक्टर होता है, और वो जेनेटिकल करेक्टर होता है, जिनका कंट्रोल ह्यूमन के हाथ में नहीं होता, हमारे हाथ में नहीं होता, वो जेनेटिक मेकअप है। हम उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं जीन के अंदर, दो वेराइटीज़ को लेके उनका क्रॉस करवा के एक नई वेराइटी बनाते हैं। तो उसमें भी हम क्या करते हैं, उसके डीएनए या उसके जीनोम के अंदर हम क्या करते हैं, चेंजेस लाते हैं, 50-50% कैरेक्टर उनके अंदर आते हैं, जिससे नई वेराइटी डेवलप होती है। वो हाई यील्डिंग वेराइटी होती है, रेजिस्टेंस वेराइटी होती है, ड्रॉट टॉलरेंट वेराइटी होती है, तो वो भी इंटरनल फैक्टर की वजह से ही होती है। क्लियर है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इंटरनल फैक्टर कौन कौन से हैं। तो पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे आता है एक हाई यील्ड एबिलिटी, हाई यील्ड एबिलिटी, कि जो प्लांट है उसके अंदर खुद उस प्लांट की या उस क्रॉप की क्षमता, ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता खुद की। क्लियर है, हाई यील्ड के लिए और भी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल करते हैं, जैसे हाई यील्ड के लिए हम बात करें फर्टिलाइज़र, अगर हम फर्टिलाइज़र देते हैं तब भी हमें क्या मिलेगा, यील्ड हमारी इंक्रीज़ होती है। क्लियर है, बट ये जेनेटिक फैक्टर नहीं है, हम बाहर से फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, हमारी क्रॉप में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, बट यहाँ पे हाई यील्ड एबिलिटी मतलब उसका इंटरनल फैक्टर होता है क्रॉप का, जिसकी वजह से वो अपनी खुद की यील्ड को बढ़ाता है प्लांट। क्लियर, सेकेंड जो होता है हमारा हाई यील्ड एबिलिटी के अलावा होता है अर्ली मैच्योरिटी, ठीक है, अर्ली मैच्योरिटी, ये भी इंटरनल कैरेक्टर है, इंटरनल फैक्टर है। कैसे, अब मैं कुछ एग्जांपल आपको यहाँ देता हूँ, जैसे रेड ग्राम जो है, जिसको हम तुअर बोलते हैं या अरर बोलते हैं, इसकी आप वैरायटी जब पढ़ोगे तो उसके अंदर एक वैरायटी है उपास 120, एक है प्रभात
110, ठीक है, और देसी वैरायटी है जो 180 दिन में तैयार होती है। तो उपास 120 का मतलब है ये 120 दिन, ठीक है, 120 दिन में मैच्योर हो जाती है। प्रभात, प्रभात यहाँ पे 110 दिन, प्रभात जो है 110 दिन में मैच्योर हो जाती है, और देसी वैरायटी जो है 180 दिन में मैच्योर होती है। तो ये इनके इंटरनल कैरेक्टर की वजह से इस वैरायटी के अंदर इनका जेनेटिक मेकअप ऐसा है कि वो 120 दिन में पक्के तैयार हो जाती है, प्रभात 110 दिन में, और देसी वैरायटी 180 दिन तक भी ले लेती है। तो ये इनके इंटरनल कैरेक्टर की वजह से। इनके ऊपर बाहरी इन्वायरमेंटल फैक्टर भी होता है जिसकी वजह से क्रॉप अर्ली मैच्योर हो जाती है, लेट मैच्योर हो जाती है। तो जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, इन फैक्टर के ऊपर इन्वायरमेंटल फैक्टर का कम प्रभाव पड़ता है। क्लियर है, ये इंटरनल फैक्टर है, इनके ऊपर इन्वायरमेंट का कम प्रभाव पड़ता है, याद रखना, प्रभाव पड़ता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर भी इन फैक्टर को अफेक्ट करते हैं, इनकी एबिलिटी, अर्ली मैच्योरिटी, इनके ऊपर भी अफेक्ट पड़ता है, बट कम प्रभाव पड़ता है। क्लियर है, अर्ली मैच्योरिटी के अलावा तीसरा पॉइंट हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा रेजिस्टेंस टू लॉजिंग। थर्ड पॉइंट जो है वो क्या है, रेजिस्टेंस टू लॉजिंग, मींस ये भी इंटरनल फैक्टर है। कैसे, आपने देखा होगा कि क्रॉप कई बार हवा की वजह से भी लेट जाती है। क्लियर है, अब हवा की वजह से लेट रही है, बट क्यों, उसका रीज़न क्या है? आपने देखा होगा एक होती है ड्वार्फ वैरायटी, एक होती है टॉल वैरायटी। तो ड्वार्फ वैरायटी में लॉजिंग नहीं होती है, रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस टू लॉजिंग होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसकी हाइट कम है। तो हाइट जो है वो भी इंटरनल फैक्टर है, इंटरनल फैक्टर की वजह से उसकी हाइट कम है, इंटरनल फैक्टर की वजह से उसकी हाइट ज़्यादा है। क्लियर है, दूसरा इसके पॉइंट, जो प्लांट होता है, प्लांट के जो रूट्स होती है, कुछ प्लांट्स की रूट ज़्यादा अंदर तक नहीं जाती है, तो ये एक फैक्टर है कि उनकी रूट ज़्यादा अंदर नहीं जाती है। फिर इनका स्टेम, कुछ वैरायटी ऐसी होती है जिनका स्टेम पतला होता है, ठीक है, और यहाँ पे फ्रूट आने के बाद, ठीक, ग्रेन भरने के बाद वो हैवी हो जाता है, कई बार बीच में से ब्रेक हो जाता है। क्लियर है, देन सेलुलोज कंटेंट, इसके अंदर सेलुलोज, सेमी हेमी सेलुलोज वगैरह जो होते हैं उन, वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है इसके प्रति लॉजिंग, लॉजिंग के लिए। तो ये सारी चीज़ें भी क्या करती है, सारी चीज़ें क्या है, इंटरनल फैक्टर है जो क्रॉप लॉजिंग के लिए, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ लॉजिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, देन लॉजिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। अगर पतला तना है तो इजीली लॉजिंग हो जाएगी, जैसे हम वीट में देखते हैं, जैसे हम, जैसे वीट मेच्योर हो जाता है उस समय हम पानी देते हैं, छठा पानी, जब लास्ट पानी हम देते हैं, तो कई बार क्रॉप लेट जाती है ना, तो ये भी एक इंटरनल फैक्टर है। नेक्स्ट हम फोर्थ फैक्टर की बात करें, फोर्थ फैक्टर की बात करें तो फोर्थ फैक्टर हो जाएगा आपका ड्रॉट टॉलरेंस, ठीक है, ड्रॉट टॉलरेंस या सेलिनिटी टॉलरेंस या फ्लड टॉलरेंस। देखो, जैसे कि मैं बात करूं बाजरा की, बाजरा एक ऐसी क्रॉप है जो सूखे में भी ग्रो हो जाती है, ठीक है, सूखे में भी ग्रो हो जाती है। तो बाजरा सीरियल क्रॉप के अंदर मोस्ट ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप है, जो सीरियल क्रॉप है उसके अंदर ये मोस्ट ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप है, सीरियल्स के अंदर, इसके अंदर सीरियल्स के अंदर ये मोस्ट ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप है, ठीक है। अब सेलिनिटी टॉलरेंट की बात करें तो बार्ले, बार्ले जो है सीरियल, सीरियल्स के अंदर मोस्ट साल्ट टॉलरेंट क्रॉप है। तो ये इनके इंटरनल फैक्टर है, बाजरा का इंटरनल फैक्टर है जिसकी वजह से ये सूखे में भी ग्रो हो जाती है, बार्ले का इंटरनल फैक्टर है जिसकी वजह से वो सॉल्ट वाली कंडीशन में भी ग्रो हो जाती है। क्लियर है, तो ये ड्रॉट टॉलरेंस, सेलिनिटी टॉलरेंस, ये भी इंटरनल फैक्टर है। देन क्वालिटी ऑफ ग्रेन, देन क्या जाता है, क्वालिटी ऑफ ग्रेन, ग्रेन की क्वालिटी, ग्रेन की क्वालिटी मीन्स आपने देखा होगा कि कुछ क्रॉप्स के सीड जो होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं, छोटे सीड होते हैं, कुछ क्रॉप के सीड जो होते हैं बोल्ड होते हैं, बड़े होते हैं, कोर्स होते हैं, जैसे ग्राम का सीड थोड़ा सा बोल्ड होता है, वीट का सीड स्मॉल होता है, मस्टर्ड का सीड स्मॉल होता है। तो ये भी क्या इनका इंटरनल कैरेक्टर है, जेनेटिक कैरेक्टर है जिसकी वजह से इनकी सीड की साइज जो है डिफरेंट है। क्लियर है, एंड द लास्ट वन जो है छठा हमारा, क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ स्ट्रॉ, तो जो भूसा होता है, चारा होता है, उसकी भी क्वालिटी उनके इंटरनल कैरेक्टर की वजह से ही डिपेंड करती है एक्स्ट्रा की।
आपने देखो कुछ एक्स्ट्रा जो होते हैं जूसी होते हैं, जैसे सुगर केन की बात करें तो उसका जो जो भूसा होता है या एक्स्ट्रा जो होता है वो क्या होता है, जूसी होता है, क्लियर है, स्वीट भी होता है, स्वीटनेस भी उसके अंदर होती है, तो ये सारा उसके इंटरनल फैक्टर की वजह से होती है, क्लियर। और हम बात करें तो एक और यहाँ पे फैक्टर है जिसको मैं आगे डिस्कस कर लेता हूँ कि इंसेक्ट पेस्ट के प्रति भी रेजिस्टेंस होता है, वो भी इंटरनल फैक्टर है। जैसे कि कई वैरायटी अभी हमारी डेवलप हुई है, जैसे बीटी कॉटन, बीटी कॉटन के अंदर क्या होता है, एक क्राइवन एसी जीन और क्राइवन एबी जीन होता है जिसकी वजह से वो इंसेक्ट पेस्ट के प्रति रेजिस्टेंस है, जिसमें एक मेजर इंसेक्ट होता है पिंक बॉलवर्म, वो अटैक नहीं कर पाता है। तो ये सारे इंटरनल फैक्टर का ओवरव्यू मैं आपको यहाँ दे देता हूँ, क्लियर है, कि द इंक्रीज द क्रॉप यील्ड, अगर हमें क्रॉप यील्ड जो बढ़ाना है और अदर डिजायरेबल कैरेक्टर है वो क्या होता है, जेनेटिक मेकअप प्लांट्स से संबंधित होते हैं, उससे रिलेटेड होते हैं भाई। यील्ड जब इंक्रीज होना और उनके जो डिजायरेबल कैरेक्टर है बाकी क्रॉप के, वो जेनेटिक मेकअप से रिलेटेड होते हैं। जेनेटिक मेकअप के बारे में मैंने बता दिया क्या होता है, जीनोम, डीएनए और प्रोटीन, उससे उसके कैरेक्टर बनते हैं। क्या क्या कैरेक्टर है, तो हाई यील्डिंग एबिलिटी जो अभी हमने डिस्कस किया, अर्ली मेच्योरिटी, रेजिस्टेंस टू लॉजिंग, ड्रॉट टॉलरेंस, टॉलरेंस टू इंसेक्ट पेस्ट एंड वेट। तो टॉलरेंट टू इंसेक्ट पेस्ट मतलब जो मैं बीटी कॉटन की बात कर रहा हूँ, ये बीटी कॉटन जो है ये इंसेक्ट पेस्ट बॉलवर्म जो होते हैं, बॉलवर्म उनके प्रति रेजिस्टेंस है। क्यों रेजिस्टेंस है, क्योंकि इनके अंदर क्या है, क्राइवन एसी जीन और क्राइवन एबी जीन, इन जीन की वजह से ये इंसेक्ट पेस्ट के प्रति टॉलरेंट है बीटी कॉटन, क्लियर है। तो ये भी क्या है, एक इंटरनल फैक्टर है। देन केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन के बारे में बता देता हूँ। केमिकल कंपोजिशन का मतलब होता है ऑयल कंटेंट, प्रोटीन कंटेंट क्रॉप के अंदर, कि किस क्रॉप में ऑयल कंटेंट क्या है, प्रोटीन कंटेंट क्या है, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट, ये सभी क्रॉप का केमिकल कंपोजिशंस अलग अलग होता है, तो ये भी जेनेटिक फैक्टर के ऊपर ही निर्भर करता है। तो मैं कुछ क्रॉप्स के आपको यहाँ पे ऑयल कंटेंट और केमिकल कंटेंट्स यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे हम बात करते हैं राइस की, तो राइस के अंदर जो प्रोटीन होता है वो होता है 6 to 7%, क्लियर है। मेज के अंदर प्रोटीन होता है 10%, व्हीट के अंदर प्रोटीन होता है 11 to 12%, 11 to 10% मैच के अंदर, एंड देन सोरगम के अंदर होता है 10 to 12%, बाजरा के अंदर होता है 11 to 12%, एंड बारले के अंदर होता है 11.5%। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ये केमिकल कंपोजिशन है, ये भी इंटरनल फैक्टर की वजह से ही होता है। देन ये तो हमारी क्या हो गई, सीरियल क्रॉप हो गई, ये भी आपको पता होना चाहिए कि सीरियल क्रॉप्स कौन कौन सी है, ये सीरियल्स हो गई। अब पल्सेस की बात कर लेते हैं, पल्सेस क्रॉप और उनके अंदर प्रोटीन कंटेंट, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राम की, ग्राम मीन्स चना, ठीक है, इसको चिकपी भी कहते हैं, ठीक है, बंगाल ग्राम भी बोलते हैं, चिकपी बोलते हैं, बंगाल ग्राम भी बोलते हैं, ग्राम साइसा रेडिटिनम इसका बोटनिकल साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम भी आपको याद करने पड़ेंगे। तो ग्राम के अंदर जो प्रोटीन होता है वो 21.1% होता है। देन पी जिसको हम मटर बोलते हैं, इसके अंदर जो प्रोटीन होता है 22.5% होता है। लेंटिल, लेंटिल के अंदर प्रोटीन होता है 25%। मूंग, मूंग के अंदर भी 25% होता है। हाईएस्ट पूछ लिया जाता है कि किस क्रॉप के अंदर हाईएस्ट, किस पल्स क्रॉप के अंदर हाईएस्ट होता है, तो आपको याद रखना है लेंटिन और मूंग दोनों में 25-25% होता है, जो ऑप्शन में आपको दिख जाए। देन उर्द में 24% होता है। यहीं पे कंफ्यूजन होता है मूंग और उर्द में कि किस में 25 है और किस में 24 है, तो आपको याद रखना है, क्लियर है, ये ध्यान रखो। उर्द यहाँ पे यू से शुरू हो रहा है और चार भी कैसा है, यू की तरह है, तो 24 है, हो गया। देन अरहर जिसको हम रेड ग्राम बोलते हैं, तुअर बोलते हैं, इसके अंदर 21 से लेके 25% होता है। देन काउपी, काउपी के अंदर 23.4% होता है और इस काउपी को वेजिटेबल मीट भी कहते हैं, इस काउपी को क्या कहते हैं, वेजिटेबल मीट भी कहते हैं, क्लियर है। ये हो गया हमारे सीरियल, हो गया पल्सेस, हो गया। अब थोड़ी सी ऑयल सीड की बात कर लेते हैं, ऑयल सीड क्रॉप्स की, ठीक है, जैसे सोयाबीन, सोयाबीन के अंदर जो है
ये मैं प्रोटीन लिख रहा हूँ और ये ऑयल लिख रहा हूँ। प्रोटीन की बात करो तो 42% और ऑयल कंटेंट कितना होता है 20%। देन शीशम की बात करता हूँ, शीशमी जिसको हम तिल बोलते हैं, तल बोलते हैं जनरली, उसके अंदर 18-20% तो प्रोटीन होता है और देन 46-52% ऑयल होता है। क्लियर है? लिनसीड की बात कर लेते हैं, लिनसीड में प्रोटीन की बात करो 36% प्रोटीन होता है, 38% ऑयल होता है। तो ये कुछ ऐसी क्रॉप है जो एक मेजर क्रॉप है, कौन सी? ग्राउंडनट। ग्राउंडनट के अंदर 26% प्रोटीन होता है और 45% ऑयल होता है। तो ये आपको सारे डाटा याद रखने पड़ेंगे। क्लियर है? सारे डाटा आपको याद रखने हैं। तो ये जो है ये केमिकल कंपोजिशन है, ये भी इंटरनल फैक्टर हैं क्रॉप के, उन्हीं की वजह से किस क्रॉप के अंदर कितना प्रोटीन है सब अलग अलग वेरी कर रहा है, सभी में अलग अलग वेरी कर रहा है। क्यों? क्योंकि इंटरनल फैक्टर की वजह से। क्लियर है? तो यहाँ पे इंटरनल फैक्टर सारे हमने डिस्कस कर लिए। देन क्वालिटी ऑफ ग्रेन्स हमने बताया कि कुछ फाइननेस होती है ग्रेन के अंदर, किसी में कोर्सनेस होती है, कोई छोटे स्मॉल सीडेड होते हैं, ब्रॉड सीडेड होते हैं। देन स्ट्रॉ की क्वालिटी, स्ट्रॉ के अंदर स्वीटनेस होता है, देन उस जूसीनेस होता है, जैसे शुगर केन के अंदर जूस भी है और जूसी भी है स्ट्रॉ उसका, और स्वीटनेस भी होता है। क्लियर है? तो ये सारे अब यहाँ पर कुछ वही बातें लिखी हुई है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह इनके ऊपर, ये जो इंटरनल फैक्टर है इन पर इन्वायरमेंट का कम अफेक्ट पड़ता है। क्लियर है? सिंस दे आर गवर्न जेनेटिक मेकअप ऑफ क्रॉप्स। तो ये जितना भी अभी हमने डिस्कस किया ये इंटरनल फैक्टर थे। इसमें अगर कोई डाउट्स हो तो आप मुझे पर्सनली, जो अपना ग्रुप है या कोर्स के अंदर अपना चैट ऑप्शन है, वहाँ पे आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट जब हम कल नेक्स्ट अगला जो लेक्चर होगा हमारा वो होगा एक्सटर्नल फैक्टर के, एक्सटर्नल फैक्टर मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर पे। सबसे ज़्यादा मोस्टली मेन क्रॉप की ग्रोथ और फैक्टर को अफेक्ट करते हैं तो इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंट फैक्टर के अंदर भी सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है क्लाइमेट, मोर देन 50% क्रॉप इसी की वजह से प्रभावित होती है, सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट की वजह से। देन इडेफिक फैक्टर सोइल से रिलेटेड है, बायोटिक फैक्टर्स, फिजियोग्राफिक मतलब टोपोग्राफी, टोपोग्राफिक फैक्टर, एंड सोशो इकोनॉमिक मतलब फार्मर की सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस। तो इनके बारे में डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।